देखिए, ये देखिए, ये कितना दिन का खाना है, फ्रिज का खाना है, देखिए। नहीं ऐसा, ये बिल्कुल आप लोगों का सरकार नाकाम सरकार साबित हो रहा है। कृपया आप लोग जरा दिमाग को होश में लाइए। लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार अपना राज्य संभालने की बजाय कभी पीयूष गोयल से उलझने में लगी है तो कभी योगी आदित्यनाथ पर वार कर रही है। एक तरफ तो ये राजनीति ट्विटर पर होती रही, एक दूसरे को एक्सपोज करने की या जो भी कहें। तो क्या राज्य सरकार मजदूरों से हमदर्दी वाला नाटक कर रही थी? लॉकडाउन की वजह से कई लोग अपने घरों से दूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे और इसी बीच रेलवे ने संकट मोचन बनकर उन्हें अपने घरों तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई। इन ट्रेनों से प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। पीयूष गोयल ट्वीट कर लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि सभी मजदूर खुश हैं, उनको खाना पीना सही से मिल रहा है। अपने ट्वीट के साथ ही उन्होंने कुछ वीडियोस भी शेयर की। मेरा महेश है, हम लोग बेंगलोर से सर ग्वालियर के लिए सफर कर रहे हैं और श्रमिक ट्रेन में हर चीज की सुविधा है, खाने पीने की, साफ सफाई की, और रेलवे के सभी कर्मचारी लोग हमको हर चीज की, मास्क लगाने के लिए, दूरी बनाए रखने के लिए हर चीज की सुविधा बता रहे हैं। जितने भी रेलवे के कर्मचारी हैं उन लोगों को सर हम थैंक यू बोलते हैं, और हमारी फैमिली अच्छे से सफर कर रहे हैं, ट्रेन में कोई दिक्कत नहीं है, और हम इसीलिए भारतीय रेलवे को थैंक यू बोलते हैं। मेरा नाम सबरा खातून, मैं बहुत खुश हूँ, सरकार ने मुझे पूरा पब्लिक को गाड़ी दे दिया, खाना दिया, पानी दिया, सब चीज दिया, इसमें बिरयानी फ्रूट सब कुछ दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। जितना पब्लिक यहाँ का सब खुश हूँ इनका, इसका लिए जितना रेलवे का पुलिस है, रेलवे का ऑफिसर है और सरकार को मेरे तरफ से धन्यवाद। पीयूष गोयल जी अपने ट्वीट्स और वीडियोस के जरिए यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी मजदूरों की मदद में जुटी हुई है, उन्हें खाना भी दे रही है और मजदूर इससे खुश हैं। ये अच्छी बात है कि वे काम कर रहे हैं, मजदूरों की मदद कर रहे हैं। लेकिन पीयूष गोयल जी, जो मजदूर खुश हैं उनका जिक्र तो आपने किया, पर जिन मजदूरों को परेशानियां हो रही हैं उनका जिक्र करना शायद आप भूल गए। मजदूर खाना ना मिलने पर परेशान है, किस तरह मजदूर खाने के लिए लड़ रहे हैं इसकी भी कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जो शायद पीयूष गोयल जी दिखाना भूल गए। खाना भी नहीं मिला, पचपन दिन हो गया है, हम लोग क्या खाएंगे बताइए, देखिए ये सारा हुआ खाना, देखिए ये, देखिए ये कितना दिन का खाना है, फ्रिज का खाना है, देखिए ये सुविधा यहाँ उपलब्ध है और कोई सुविधा नहीं मिल रहा है यहाँ पे, मैं कितना बर्दाश्त करेगा, पाँच दिन तक हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, आज सारा हुआ खाना मिला है यहाँ पे, ना तो ट्रेन भी मतलब टाइम से नहीं पहुंचा रही है, पाँच दिन ट्रेन हो गया, दो दिन ट्रेन का टाइम है, पाँच दिन हो गया, हम लोग ऐसा ही पड़े हुए हैं, भाई क्या करेगा यहाँ पे। ट्रेनों को लेकर एक खबर ये भी है कि ट्रेन्स जिस जगह जाना था वह ट्रेन्स कहीं और ही पहुंच जाती हैं। कुछ ट्रेन्स जिनका सफर 24 से 48 घंटे का है वह 100 से अधिक घंटों में पहुंच रही हैं। लाखों प्रवासी मजदूर रेलवे की मदद से अपने घर पहुंच चुके हैं। इसी बीच एक श्रमिक ट्रेन महाराष्ट्र के वसई से यूपी के गोरखपुर के लिए चली और उड़ीसा के राउरकेला पहुंच गई। रेलवे ने कहा कि ये गलती से नहीं हुआ बल्कि रूट व्यस्त होने की वजह से ऐसा किया गया। अब ऐसी खबर आ रही है कि एक नहीं, दो नहीं बल्कि करीब 40 ट्रेनों का रास्ता बदला गया है। एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन बेंगलुरु से करीब 1450 लोगों को लेकर यूपी के बस्ती जा रही थी। जब ट्रेन रुकी तो लोगों को लगा कि वे अपने घर पहुंच गए हैं, लेकिन ट्रेन तो गाजियाबाद में खड़ी थी। इस दौरान ये भी ध्यान नहीं रखा गया कि आखिर यात्री क्या खाएंगे क्या पिएंगे। इतना ही नहीं, मुरादाबाद में यूपी के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के पास रेलवे ट्रैक पर विशाखापट्टनम से बिहार जाने वाली ट्रेन को 10 घंटे तक बिना किसी भोजन या पानी के बाहरी सिग्नल पर रखा गया था, जिसके बाद मजदूर रेलवे ट्रैक पर आ गए और रोष प्रकट करने लगे। मुंबई से एक ट्रेन आई आज, 500 किलोमीटर तक नहीं चला, फिर गाड़ी खड़ा कर दिया इधर बागमार स्टेशन में, और स्टेशन मास्टर बोल रहा है कि आगे की परमिशन नहीं है, तो 22 ट्रेन आगे है, 22 ट्रेन पीछे, जब 50 ट्रेन संभाल नहीं पा रहे पीयूष गोयल।
देखने की बात है जब 50 ट्रेन से सामान नहीं पा रहे और आप ट्वीट में ट्वीट करते हो कि हम रोजाना 1200 ट्रेन चलाना चाहते हैं। नहीं ऐसा ही आप बिल्कुल आप लोगों का सरकार नाकाम सरकार साबित हो रहा है। कृपया आप लोग जरा दिमाग को होश में लाइए। बस यहाँ भूखे प्यासे मर रहे हैं। सुबह 7 बजे से ट्रेन खड़ी है, अभी 5 बजने जा रहा है। कितना बर्दाश्त करेगा, कितना तड़पाओगे, कितना मजदूरों पे मरवाओगे, ये बहुत सारे आम गलत हो रहा है। बीरन राय कहाँ से आ रहे हो? इस ट्रेन कितने बजे से खड़ी है? विशाखापटना से आ रहे हैं। रात में 11 बजे से खड़ा है। 2 दिन से खाना पीना कुछ नहीं मिला है। 1500-1500 रुपया किराया लिया जा रहा है। आप लोग अभी तो क्या किया? कुछ नहीं, अभी तक तो प्लेटफार्म पे आदमी सब रख दिया पत्थर पुथर, बोले खाना दो गाड़ी खोलो। हम पीयूष गोयल जी से अनुरोध करते हैं कि आप इन सब परेशानियों पर भी ट्वीट कीजिए और जनता को दिखाइए, लेकिन शायद ये ऐसा नहीं करेंगे। पीयूष गोयल जी किसी और ही विवाद में अभी जुटे हुए हैं जिसमें ट्रेनों को लेकर राजनीति हो रही है। आपको बता दें कि कोरोना संकट में प्रवासी श्रमिकों को गांव भेजने के लिए चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच नया विवाद शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने फेसबुक लाइव में कहा कि प्रवासियों के लिए प्रतिदिन 80 ट्रेन चाहते हैं लेकिन सिर्फ 40 ही मिल रही हैं। आपण रोज 80 ट्रेनची मागणी करतोय, रोज 80 ट्रेनची मागणी करतोय की आम्हाला, आम्ही सोय करायला तयार आहोत, आम्हाला ट्रेन्स द्या, पण रोजच्या 30-40 म्हणजे अर्ध्या ट्रेन्स आपल्याला रोज मिळतात, अर्ध्या 80 ट्रेन्स आपण रोज मागतोय। इसके बाद केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। गोयल ने उद्धव ठाकरे को संबोधित करते हुए रविवार रात में ट्वीट किया था कि प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए 125 ट्रेनें देने के लिए हम तैयार हैं। आपके पास श्रमिकों की सूची तैयार है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि सभी निर्धारित जानकारी जैसे कि कहां से ट्रेन चलेगी, यात्रियों की ट्रेनों के हिसाब से सूची, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट और कहां ट्रेन जानी है, ये जानकारी 1 घंटे में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को पहुंचाने की कृपा करें। इसके बाद पीयूष गोयल देर रात तक महाराष्ट्र सरकार को ट्वीट करते रहे। इसकी अधिक जानकारी सीनियर पत्रकार अजीत उंजुम ने दी और बताया किस तरह से ये विवाद राजनीतिक होता जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने कल यानी 24 तारीख को शाम 4:53 पर उनका कहना था कि 80 ट्रेनों में से 50% मिल रही। फिर मैं देखने लगा तो दिखा कि जो शिवसेना के सांसद हैं अरविंद सावंत, मंत्री भी रहे हैं केंद्र में मोदी सरकार में ही, उनका एक बयान था किसी चैनल पर, वो कह रहे थे कि मैंने तो केंद्र सरकार को, हमने सेना ने 200 ट्रेनों की लिस्ट दे दी है, लिस्ट पड़ी है और ट्रेनें नहीं मिल रही। तो लगा कि अच्छा ये लिस्टों की लड़ाई है, हम इतनी मांग रहे हैं तुम इतनी नहीं दे रहे हो। तो पीयूष गोयल रात भर लग गए बताने में कि अभी लिस्ट दो, अभी लिस्ट दो, अभी जैसे मोहल्ले में होता है ना कि अभी लाओ, अभी दो, अभी दो, मैं दे रहा हूं। तो एक तरह से पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री कितने उत्साहित भी दिख सकते हैं, कितने उत्तेजित भी दिख सकते हैं और कितने सामने वाले को एक्सपोज करने की मंशा से दिख सकते हैं या कितनी राजनीति दिख। लेकिन अब कहां से शुरू हुआ? कल के उद्धव ठाकरे के बयान से। उसके बाद पीयूष गोयल, अब देखिए कोई केंद्रीय मंत्री रात भर कैसे, देर रात कहें, आधी रात कहें, आधी रात के बाद मान लें 2:11 है तो आधी रात के बाद ही है, तब तक बार बार लिस्ट मांगते हैं कि एक तरफ तो ये राजनीति ट्विटर पर होती रही एक दूसरे को एक्सपोज करने की या जो भी कहें, हालांकि रात में उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद पीयूष गोयल सुबह 2 बजे ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि महाराष्ट्र की 125 ट्रेनों की सूची कहां है। 2 बजे तक केवल 46 ट्रेनों की सूची प्राप्त हुई है जिनमें से 5 पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की हैं, जो चक्रवात अम्फान के कारण नहीं चल सकती हैं। हम 125 के लिए तैयार होने के बावजूद आज के लिए केवल 41 ट्रेनों को अधिसूचित कर रहे हैं। पीयूष गोयल देर रात तक सिर्फ महाराष्ट्र सरकार से सूची मांगते रहे। शायद वे उनको एक्सपोज करना चाहते हो कि हम तो तैयार हैं लेकिन आप देरी कर रहे हैं। पीयूष गोयल जी, अगर आपको इतनी ही मजदूरों की फिक्र करते हैं तो उनकी परेशानियों को देखें और मदद करें, पर वह तो राजनीति में बिजी हैं क्योंकि वहां शिवसेना सरकार है महाराष्ट्र में, इसलिए महाराष्ट्र सरकार और पीयूष गोयल दोनों की राजनीति में मजदूर पिस रहे हैं। मीडिया भी सरकार से सवाल करने की बजाय विपक्ष पर उंगली उठा रहा है कि महाराष्ट्र में सिर्फ उद्धव सरकार राजनीति कर रही है। मजदूरों को मोहरा बनाकर इनके नाम पर सियासत तो खूब हो रही है, कोई फिल्म बना रहा है, कोई बसें भेज रहा है, लेकिन राहत के नाम पर इनकी सिर्फ जुबानी मदद हो रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव साहेब ठाकरे रेलवे को कोसने में जुटे हैं, लेकिन उन्हीं के सहयोगी और एनसीपी के कद्दावर और बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल पीयूष गोयल की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। और जरा सोचिए, ये सियासत उस राज्य में हो रही है जो कोरोना के मामले में टॉप पर है, जहां के मजदूरों की दुर्दशा पूरे देश ने देखी है,
जहां खुलेआम पुलिस वालों पर हमला किया जाता है। कुर्ला का दृश्य हम सबके सामने है, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार अपना राज्य संभालने की बजाय कभी पीयूष गोयल से उलझने में लगी है तो कभी योगी आदित्यनाथ पर वार कर रही है। लेकिन जो महाराष्ट्र सरकार 100 ट्रेन मांग रही थी वो सिर्फ 35 ट्रेन की के यात्रियों की संख्या बता पाई। तो क्या राज्य सरकार मजदूरों से हमदर्दी वाला नाटक कर रही थी? क्या मजदूरों के नाम पर सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा था? या सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, देश के हर श्रमिक, हर जरूरतमंद से मजाक है? जो इस वक्त परेशानी में है, इसलिए आज पूछता है भारत कि अगर उद्धव ठाकरे सरकार के पास प्रवासी मजदूरों को भेजने की तैयारी नहीं थी तो ये झूठ क्यों बोला? बिना तैयारी के मजदूरों को स्टेशन पर भेजकर उद्धव सरकार स्टेशन पर भगदड़ कराना चाहती थी। हम तो यही चाहते हैं कि सभी सरकारें इस संकट में राजनीति पर ध्यान ना देकर, एक दूसरे को नीचा ना दिखाकर मजदूरों को सुरक्षित घर पहुंचाने के प्रयास करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।